फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल। वृंदावन के सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम तीसरे दिन अब बरसाना और नंदगांव घूमना था हमें, तो हम लोग वहाँ गए क्योंकि अगर वृंदावन आए तो बरसाने जाना बनता है। तो वहाँ से हम लोगों ने शेयरिंग ऑटो किया वृंदावन से और बरसाने के लिए हम लोग गए। दो बार वहाँ चेंज करना पड़ता है फिर हम लोग बरसाने पहुँचे। बरसाना राधा रानी का गाँव है, तो वहाँ हम लोग पहुँचे। तो वहाँ दो रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों का रास्ता और एक आप गाड़ी से जा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहीं इसी जगह से बाइक कर लिया था, दो बाइक की थे, वो छोड़ते हैं वो लोग और 50 रुपये लेते हैं और आराम से आप लोग पहाड़ी के रास्ते पे जा सकते हैं। पहाड़ी के, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें नंदगांव भी जाना था और मंदिर बंद हो जाता है तो फिर दर्शन नहीं हो पाते, तो हम लोग बाइक से गए थे। और बहुत ठंड थी इस दिन, मतलब इतनी ठंड थी ना, मतलब मैं तो जैकेट वैकेट पूरा पहन के गई थी। तो वहाँ हम लोग पहुँचे और अच्छे से राधा रानी के दर्शन किए। पूरा नंदगांव वहाँ से इतना सुंदर दिखता है, आपको पूरे वीडियो में भी दिखेगा, अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्यारा है। मंदिर में भी हम लोग कुछ देर बैठे थे, वहाँ भजन कर रही थी कुछ मंडली, तो वो भी हम लोगों ने देखा, अच्छा लगा, थोड़ी देर वहीं रहे। बाइक वाले आपको कुछ दूर पे यहीं छोड़ देते हैं, मतलब मंदिर से कुछ दूर ही, फिर वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप बाइक कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है सीढ़ियाँ चढ़ने में। लेकिन हम लोगों के पास तो टाइम कम था, इसलिए हम लोगों ने बाइक किया था, उतरते हुए हम लोगों ने सीढ़ियाँ यूज़ की थी। यह पूरा राधा रानी का गांव यानी बरसाना, पूरा बरसाना गांव है। कुछ लोग बैठ के अपने भजन गा रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको सुनकर, हम यहीं रुके थे तो उनको सुन रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद हमें नंदगांव गए। ये है नंदगांव की गलियाँ, हर जगह आपको कृष्ण और राधा जी की पेंटिंग्स मिलेंगी, अच्छा लगा था। ये मंदिर का गेट है जहाँ से मतलब प्रवेश करते हैं और ये पहाड़ी पर स्थित है, कहते हैं कि उस पहाड़ी को नंदीश्वर पहाड़ी बोला जाता है। कहते हैं जब गोकुल में कंस के राक्षसों के अत्याचार से दुखी होकर नंद बाबा ने गोकुल गांव छोड़ दिया था और अपने नाम से नंदगांव की स्थापना की थी और यहीं आके कुछ साल तक वो रहे थे इसी पहाड़ी पर, इसलिए इस गाँव का नाम नंदगांव पड़ा। Thank you.
तो क्योंकि लेट हो जाता है यहाँ से निकलते निकलते वृंदावन पहुँचने में, हमें होटल जाकर वापस शाम को हम लोगों को वृंदावन में बाकी बिहारी और राधा सनी बिहारी के भी दर्शन करने थे फिर से, ताकि हम लोग, क्योंकि हमें अगले नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना था तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो हम लोग को राधा सनी बिहारी भी जाना था। तो हम जब रास्ते से जा रहे थे तो हमें ये प्रेम मंदिर जैसा ही सुंदर मंदिर दिखा, रंगीली महल नाम से है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, वरना हम इसके लिए भी टाइम निकालते, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर ज़रूर जाएंगे यहाँ पे भी दर्शन करने। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो ये है गिरिराज पर्वत मंदिर, मतलब जहाँ जहाँ से आपको गिरिराज जी की परिक्रमा स्टार्ट होती है वहाँ का है। जो मैं 2012 में आई थी पिछली बार, तो मैंने गोवर्धन की परिक्रमा की है, नेक्स्ट टाइम कभी फिर से आना होगा तो इनकी कृपा से फिर से परिक्रमा करेंगे। कहते हैं ना कि इनकी परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब करते हैं हम लोग परिक्रमा। बीच में गए थे राधा कुंड, वहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किया कुछ देर रुककर, फिर हम लोग वहाँ से भी निकल गए थे। वृंदावन में जाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने लंच किया, ये है वो चपाटी नाम से है और प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने है, अच्छा है यहाँ पर, मतलब लंच में हमने किया है और एक दिन पहले डिनर भी किया था तो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।